फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, और पूरी बस खाली है, देख सकते हैं। इतने बड़े बस में मैं अकेली मैं अकेली जा रही हूँ, और बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। मचौली तो नहीं है, मी चौली। रविवार का दिन था, शाम के 5 बजे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमित चिंकी सब उसको हिज्जा करो। वामी छोटी कौन सी? बड़ी। हाँ, बड़ी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। और सबसे पहले तो थैंक टू गॉड कि उन्होंने आज का ये खूबसूरत सा दिन दिया है। और अभी मैं 4 बजे से ही जगी हुई हूँ, ये टेंशन में कि मैं कहीं सोई ना रहूँ और मुझे वापस जाना है आज हजारीबाग। यस जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कल जो मैं बोल रही थी ना कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं आई हूँ चतरा अपने घर, और अभी मैं वापस जाऊँगी। कल आने के बाद रात हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, तो कुछ ज़रूरी काम से मुझे आने थे, इसीलिए मैं आई थी। और एकदम अभी अभी सुबह मैं जाऊंगी। और बहुत ठंड काफ़ी हो गई है, देख सकते हैं। मैं ब्रश वगैरह नहीं लाई हूँ, तो मैं जा रही हूँ, यहाँ जो मेरा अमरूद का पेड़ है वहाँ से मैं अपने लिए दतवन तोड़ूँगी और उसी से मैं करूँगी। उसके बाद जल्दी से रेडी हो करके मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे स्कूल पहुँचना है। और काफ़ी ठंड है, तो धीरे धीरे जाऊँगी, मुझे स्कूटी से जाना होगा आज। तो फिर आज ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। मैं जब जाऊँगी रास्ते में तो कहीं कहीं का आप लोगों को खूबसूरत व्यूज दिखाती जाऊँगी। देखिए मेरे हैंगिंग प्लांट्स इतने लंबे लंबे हो गए हैं, जिसे कटिंग करके फिर दूसरे पॉट में लगाना है। और देखिए ये एक अलग वैरायटी, बहुत ही सुंदर लगता है मेरे को ये सब। ये ठीक से नहीं दिख रहा ना, किधर से दिखेगा? इधर से। और ये है बारी जहाँ पे लगा हुआ है आलू। और टिम कर रही है नाश्ता। क्या नाश्ता कर रही है? सॉस और छिलका रोटी। तो सुबह छिलका रोटी बन गया है। और इधर है गमला में ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। इसमें कब फूल आएंगे? आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ये है गुलदाउदी। और बाकी तो क्या क्या फूल है मेरे को नहीं पता, नमिता लगाई है। और इधर है डहलिया, जो लास्ट ईयर का ही है जो मैंने लगाया था। और इधर काम चल रहा था गेट का, तो ये सामान वगैरह बिखरा पड़ा है। और इधर लगाया हुआ है लहसुन। और ये है क्रिसमस ट्री। और ये है जो मैंने लगाया, ये ऊपर ऐसे बेल की तरह होगा और पूरे ऐसे गेट में फैल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और इधर भी है कुछ प्लांट। और उधर है बैगन।
और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, 7 बजने वाले हैं। रेडी हूँ और बस निकलने वाली हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा स्कूल लेट हो जाएगा, 7 बज गया और मुझे कितना 8:40 में पहुँचना है। रे बाप रे बाप, नहीं धीरे धीरे ही जाऊँगी। और मैं कभी इतना जल्दी नाश्ता नहीं करती हूँ। नमिता बना चुकी थी छिलका रोटी, है मैंने छिलका रोटी खा लिया है और टिफिन में भी पैक कर लिया है और अभी चली। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं एक पतला सा स्वेटर पहन के आई थी और मैंने भाई का ये जैकेट पहना है, हेलमेट और मेरी गाड़ी तैयार है। तो बाय बाय, मिलते हैं रास्ते में फिर। निकल चुकी हूँ घर से कम मैं 6-7 किलोमीटर आ गई हूँ और बहुत ठंड लग गई है। थैंक गॉड जो भाई ने मुझे ये जैकेट दिया है, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या हो जाती। हाथ बहुत कनकन हो गए हैं, पूरे ठंडे हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इनको रगड़ लेती हूँ, उसके बाद में फिर निकलती हूँ। धीरे धीरे ही जाऊँगी, समय पर पहुँच पाऊँगी कि नहीं ये भी नहीं पता मेरे को। चलो फिर। बाप रे इतनी ठंड, मेरे हाथ ना पूरे एकदम अकड़ से जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी रुक गई यहाँ पे। ये है एक नदी और ये पुल है, गिद्धौर से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये मिलता है, तो मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। और मुझे याद आया कि जब इस पहले जब यहाँ पे पुल नहीं था ना, जब यहाँ पे पुल नहीं था तो हम लोग जब बस से आते थे, हजारीबाग से चतरा जाते थे, तो रोड से उस मतलब नदी से उस साइड हमारी गाड़ी रुक जाती थी। बरसात के दिनों में पूरा पानी भरा हुआ रहता था और जब पानी कम हो जाती थी तब तक हम लोग वेट करते थे, रात भी हो जाती थी और फिर हम लोग जब पानी कम हो जाता था तब गाड़ी क्रॉस करती थी और तब जाके हम लोग चतरा पहुँचते थे। तो देख सकते हैं व्यू तो बहुत सुंदर है, यहाँ का जंगल है और ये उधर पीछे नदी, बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, यही वो नदी है। नदी का नाम नहीं पता मुझे, बस गिद्धौर वाली बड़ी नदी, बड़की नदी से लोग इसे जानते हैं। मैं रुकी हूँ हाथ को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं लिया, ग्लव्स था ही नहीं और भाई को भी याद नहीं आया होगा उतना। मुझे फोन करके बोल ही देना पड़ेगा कि मेरा थोड़ा लेट हो जाएगा, और ना बच्चों का भी असेसमेंट 2 एग्ज़ाम भी चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है लेट हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और अब मैं सीधे कहीं नहीं रुकूँगी, सीधे मैं स्कूल जाऊँगी। तो फिर बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए।